हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी शाम के 3 बज रहे हैं और आज हमारे गांव में ना जो पांडव लीला चल रही थी, यानी पांडव नृत्य चल रहा था ना, उसका आज घोड़ी रथ यानी गोरथ है। गोरथ मतलब एक स्पेशल डे रहता है, पांडव जो नाच रहता है 9 रात का, तो उनमें से एक स्पेशल डे आज 7वें दिन का है। तो चलो फिर हम सीधे जाते हैं पांडव नृत्य के वहाँ, और आज घोड़ी रथ यानी घोड़े को किस तरीके से पानी पिलाया जाता है पांडवों द्वारा, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर जो पहली बार आया है ना वो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो फिर तुरंत चलते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और उत्तराखंड की पौराणिक सभ्यता है तो आप लोग शेयर जरूर मार देना। तो चलो फिर thank you.
मुझे बता, ए धर्मनी बालक किराता, ए धर्मराज गौरे गौ, ए धर्म लोगे मारा, ए जय जुरा यर्जना, ए आज तुम ला चाहे परमेश्वर दे बता, ए सेवा सुनोन मादा, ए थोड़ी रख लगेला, ए चाहे परमेश्वर दे बता, अब तो गाँव जो था, ए कशिला बन जाया, ए परमेश्वर दे बता, पंच नाम देवताओ आज तुम्हारो इन पंच बोटूला जय परमेश्वर देवता जय भोयू रथ लगे लो जय परमेश्वर देवता दादा द्वार छो जय परमेश्वर देवता जय अजाणा बालक था नाम आया जय परमेश्वर देवता फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका अपने रूम में। तो आज के ब्लॉग और वीडियो में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिला होगा, यानी पांडव नृत्य में घोड़ी रथ और उनके बीच में माल नाचते हैं, मतलब बहुत चीज़ें हैं। ये हमारे उत्तराखंड की पौराणिक से चलती आ रही एक सभ्यता टाइप की है, तो उसे हम अपने एक पेशकश टाइप का दिखाते रहते हैं कि जो हम यंग जनरेशन है वो न भूलें, इसीलिए हमारे ओल्ड जनरेशन इस पर लगातार फोकस बनाए रखते हैं और हर साल ये चीज़ें होती रहती है, पांडव नृत्य, महाभारत इत्यादि। तो अच्छी बात है, हमारे मतलब बुजुर्ग लोग जो हमें कुछ सिखा रहे हैं तो काफ़ी कुछ हम भी सीखते हैं, देखते हैं। तो आप लोगों को भी वीडियो के माध्यम से दिखाया तो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करना। तो चलो इस वीडियो को भी यहीं पर एंड कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जहाँ भी रहें वहीं व्यस्त रहें। तो आप सभी पर पांडव देवता की कृपा बने रहे और हम पर भी बने रहे। ओके, बाय बाय दोस्तों।